बात है बेटी, किसका खत है? बहुत खुश लग रही हो। हाँ मामा, ये खत मुझे नटराज फाउंडेशन की तरफ से आया है। वो लोग मेरे लिए एक बहुत बड़ा डांस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। बेटी, बात तो खुशी की है और मौका भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी इस हालत में डांस करना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें तीसरा महीना चल रहा है और इसमें तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मामी, आप खामखा फिक्र कर रही है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, आई प्रॉमिस। और वैसे भी लोग तो आठवें महीने तक काम करते हैं, फिर? नहीं बेटा, तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल नहीं मानता। तीसरा महीना तो क्रूशियल होता है और मैं जानबूझकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। और बेटी, ऐसे प्रोग्राम्स तो आते रहेंगे, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन इस बार तुम जिद मत करो। मामा, मैंने आपसे कहा ना, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं आते और मैं तो इस डांस शो में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। नहीं सेजल, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस प्रोग्राम के लिए ना कर दो, और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। सेजल, मुझे मम्मी ने बताया कि तुम डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती हो। हाँ नंदी, सच है। आज सुबह ही मुझे नटराज फाउंडेशन से एक लेटर आया। उन्होंने लिखा है कि वो मेरे साथ एक बहुत बड़ा डांस शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। I'm very happy. सेजल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस बात से काफी खुशी हो रही होगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस समय तीसरा महीना चल रहा है और इस समय डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आनंदी, तुम क्या कह रहे हो? तुम शायद जानते नहीं हो, मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। जब मैंने ये बात मम्मी से कही, उन्होंने भी मना कर दिया, और अब तुम भी। सेजल, ऐसी बात नहीं है, तुम बात को समझने की कोशिश करो। देखो, मम्मी जो कुछ कह रही हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही हैं, और ऐसे नाजुक वक्त में तुम्हें डांस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अरे आनंद, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उनका कहना है कि अगर मैं शो में हिस्सा लेना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत सुना है आपने, लगता है डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है तुमने। ये देखो डॉक्टर की रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, और मैं चाहूंगा कि तुम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। आनंद, तुम समझने की कोशिश करो, कला साधना हर किसी को हासिल नहीं होती। मेरी मम्मी ने 25 साल के बाद एक डांस इंस्टीट्यूट खोला है और वो इतनी मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुंची है। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मगर सेजल, तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारे पेट में इस वक्त हमारा बच्चा है। तुम्हारी जिंदगी में पहली बार माँ बनने का मौका आया है, क्या तुम्हारे लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती? देखो सेजल, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी कला साधना छोड़ दो, लेकिन ऐसे वक्त में डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। सेजल, अकेले बैठी क्या कर रही है? कॉफी मंगवाओ। नहीं भाभी, मैं कॉफी नहीं पीना चाहती। क्या हुआ, बात क्या है सेजल? भाभी, आप तो जानती है ना, मुझे नटराज फाउंडेशन की तरफ से इतना बड़ा डांस शो करने का मौका मिला है, और आनंद है कि वो मुझे मना कर रहा है। अब आप ही बताइए, मैं इतना बड़ा मौका कैसे गंवा सकती हूँ? सेजल, मैं मानती हूँ कि तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन आनंद, तेरी सांस अपनी जगह पर सही है। तेरा तीसरा महीना चल रहा है ना, तीसरा महीना औरत के लिए बहुत कठिन होता है। जब मेरा तीसरा महीना चल रहा था, तब मिहिरा माँ मुझे एक काम नहीं करने देते थे। हर शादीशुदा औरत का यही सपना होता है कि जब वो माँ बने तब उसके घर वाले उसका बहुत ख्याल रखें। अरे तू तो बहुत लकी है री कि आनंद और तेरी सास तेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन भाभी, मुझे नहीं लगता उस घर में रहकर मैं अपनी कला को, अपनी साधना को न्याय दे पाऊंगी। वहां रहकर अपने टैलेंट को बाहर लाना, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। तुझे कैसे समझाऊं? मेरी और मिहिर की ही बात ले ले। मिहिर जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तब जो जी आए मेरे लिए, अपने लिए खरीद लाते हैं, और मैं
मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तब कीमतें देखकर ही घबरा जाती हूँ। एक कीमती सामान खरीदने से पहले आज भी 10 बार सोचती हूँ। क्या करूँ, मेरी मिडिल क्लास मेंटालिटी छूटती ही नहीं है। शादी के बाद हर औरत को एडजस्ट करना पड़ता है अपने नए घर में। मैंने भी किया था। इस घर के लोगों के टेस्ट और आदतों के मुताबिक मैंने भी अपनी कई आदतें बदली। लेकिन भाभी आप... अरे तुलसी बेटे, देखा भाभी, पापा जानते हैं ना कि मेरा तीसरा महीना चल रहा है, फिर भी उन्होंने मेरी तबीयत तक नहीं पूछी। वो मुझसे अब तक नाराज है। चिंता मत कर सीजल, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं तो सिर्फ तुझे इतना समझाना चाहती हूँ कि शादी के बाद हर लड़की को नए घर में एडजस्ट करना पड़ता है। तू भी थोड़ी बहुत कोशिश कर, अपने घर वालों को संभाल, उनका ख्याल रख। देख, एक औरत की सबसे बड़ी दौलत होती है उसके घर वालों का प्यार और सम्मान। किस डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। धीरज, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या भाभी, इतना भी नहीं समझती? अरे बाल बना रहा हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। ये ब्रश मुझे दो, ये मेरा ब्रश है। अगर तुम्हें बाल बनाने ही थे तो अपना क्यों नहीं ब्रश यूज करते? भाभी, इस घर में तुम्हारा हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब एक ही ब्रश यूज करते हैं। मैंने आपका ब्रश देखा तो सोचा यूज कर लो। अब इसमें हर्ष ही क्या है? हर्ष तुम्हें नहीं, मुझे है। ये सारी चीजें मेरी पर्सनल है और इसे मेरे अलावा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? आज तुमने मेरा ब्रश यूज किया, कल को मेरा परफ्यूम यूज करोगे तुम? अरे वो तो मैंने सुबह यूज कर लिया था भाभी। ब्रूट, हाउ डेयर यू! तुमने कभी लाइफ में परफ्यूम नहीं देखा है क्या? नहीं, इसलिए सोचे इस्तेमाल कर लूं। बहुत ही अच्छी स्मेल थी। इंटरनेशनल पैक है क्या? इनफ इज इनफ धीरज, तंग आ गई हूं उस रोज की परेशानी से। मैं पता नहीं कैसे घर से नाता जोड़ रहा है मेरा। सीजन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आनंद, तुम ही देखो ना, मेरी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है भी या नहीं? तुम्हारा भाई मेरी हर चीज यूज करता है। मेरी चीजें सिर्फ मेरी है, मेरी पर्सनल चीजें है वो। मैं भी तो किसी की चीजें यूज नहीं करती। नहीं भाभी, आपका कहना बिल्कुल गलत है। आपकी शादी के पहले वो कमरा मेरा था, जिस कमरे में अब आप सोती है। आनंद, देख रहे हो तो कैसी बातें करता है तुम्हारा भाई? सेशल, तुम भी एक छोटी सी बात को इतना बड़ा स्वरूप दे रही हो। देखो, ऐसी बातें तो हर घर में होती रहती है। ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसकी धीरज की तो आदत है मजाक करने की। पूछना मजाक ही कर रहा हुआ क्यों धीरज? हाँ भाभी, मैं मजाक ही कर रहा था। पर भैया, मैंने भाभी से सिर्फ इतना ही कहा कि इस घर में तुम्हारा हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। इस घर में जितनी भी चीजें हैं हम सब साथ में मिलकर इस्तेमाल करते हैं। धीरज सही कह रहा है सेजल, इस घर में तुम्हारा मेरा जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी कुछ है वो हम सबका है, समझी? ओह नो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं निकलता हूं अभी। एंड टेक केयर, चल बाय। कुछ कुछ होता है।